सर, मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो है हर साल एक ना एक छक्का मार रही है, एंड दिस अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हमारी फिल्मों की भी ज़रूरत है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जो कि यूनिवर्सल ऑडियंस को एड्रेस कर सकें, और ये फिल्म एक नई लैंग्वेज है। ये फिल्म नए स्वरूप, जो हमारी नया सिनेमा जो उभरेगा, इस यंग जनरेशन जो नया सिनेमा लेके आएगा, ये उसकी पहचान है। एंड ये फिल्म है जो हमें हॉलीवुड से कम्पीट करने को, इस तरह की फिल्में जो हैं जो हॉलीवुड से कम्पीट करने को हमें हिम्मत देंगे। आई सॉ द फिल्म एंड आई लव्ड इट, एंड मैंने ये फिल्म देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो हॉलीवुड का सिनेमा बहुत ज़्यादा देखता है, वो हमारी फिल्में कई बार नहीं देखता है। तो मुझे इसलिए लगा कि मैं इसका स्क्रीनिंग करवाता हूँ, और मेरे जितने बच्चों के दोस्त हैं और आसपास के लोग हैं सबको बुला के यंग जनरेशन को एक बार इसका टेस्ट देता हूँ, ताकि उनको पता चले कि हमारे सिनेमा में क्या हो रहा है। छोटा फिर मैं क्या करूँगा यार, छोटे से रोल के साथ उनको बराबर का रोल चाहिए, उनके साथ काम करने का मज़ा आएगा। छोटे से रोल करेंगे तो हमें काम करने में मज़ा कैसे आएगा? उन्होंने मेरे लिए कहा होगा, उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे इरफान को अगर छोटा सा भी रोल मिला। आपको लेजेंडरी एक्टर कहा है? नहीं, वो भी लेजेंडरी है, बड़प्पन है वो। बस हमारा दिल खुश हुआ है, मतलब जो बातें हुई वो आपको धीरे धीरे पता चलेगी, बट हमारा दिल खुश हुआ कि वो उन्होंने, क्योंकि देखिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी नया डायरेक्टर जो पहली फिल्म बनाता है और वो बहुत अच्छी होती है, तो उसके लिए दूसरी फिल्म बनाना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जितना भी जो भी उसके पास खजाना था वो पहली फिल्म में जो है वो सब एक्सपोज हो चुका होता है। दूसरी फिल्म इतनी सक्सेसफुल बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बात है किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर के लिए, और ये उसने नागराज ने किया है, एंड आई सल्यूट टू हिम। साइराट के बारे में काफ़ी सुना है मैंने, सुना है कि बहुत अच्छी फिल्म है, और आजकल ये दौर भी आया है कि मराठी सिनेमा सडनली दे आर टेकिंग ऑफ, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं और काफ़ी सुनने को मिल रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी हिंदी सिनेमा भी कुछ मराठी सिनेमा ओरिजिनल सिनेमा से सीखे, मराठी सिनेमा से सीखे, और कुछ हम नया और कुछ आधुनिक करें। तो साइराट के बारे में तो काफ़ी मेरे दोस्तों ने फिल्म देखा है और बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड कि इतना सुना है फिल्म के बारे में, और आई जस्ट वांट टू गेट इन एंड गेट स्टार्टेड विद द फिल्म। अभी तो मेरी एक फिल्म कैबरे रिलीज़ हो रही है, और एक और फिल्म आ रही है जुनूनियत, जो 24 जून को रिलीज़ हो रही है, उसमें छोटा सा एक स्पेशल अपीयरेंस है मेरा, तो ये है फिलहाल। और एक बच्चों की फिल्म है पिक्चर, जिसकी शूटिंग जारी है, तो फिलहाल ये चल रहा है मेरे। हाँ, रीज़न ये है कि आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट रीजन क्या है पता नहीं, मेरा तो काम हो गया है, मैं एक्टर, मैंने अपना काम कर दिया है। अब ये सवाल जो है आप ये प्रोड्यूसर से करें, लेकिन जितना मैंने उनसे सुना है कि वो एक इस फिल्म को, कैबरे को एक तरीके से पेश करना चाहते हैं, और पूजा भट्ट की फिल्म है तो ऑडियंस भी, दर्शक भी एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि फिल्म को इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम रहे, 2 हफ्ते से वो आगे की तरफ धकेल दिया गया है। मतलब वाकई में बहुत ही रिमार्केबल है और बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा साइन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर होने चाहिए, ताकि हम उन मासेस तक पहुँचेंगे जिस मासेस तक ये साइराट पहुँची है। हमको ये हिंदी फिल्मों में करना चाहिए, हिंदी फिल्मों में ये चीज़ लैक कर रही है। हम पता नहीं किसकी कहानियाँ सुना रहे हैं, वो लोग बहुत, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। हम मासेस तक हमारी हिंदी फिल्में नहीं पहुँच रही, और साइराट इज़ अ वेरी वेरी बिग एग्जाम्पल, इट्स एन आई ओपनर। जितने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं उनको इससे सीखना चाहिए। द कॉन्टेंट इज़ वेरी वेरी गुड, इट इज़ वेरी फ्रेश एंड इट इज़ रियल। It portrays real people, their problems, their anguish, their happiness, their festivals. So it is, especially Marathi cinema is very rooted.